नोटिफिकेशन तो तुरंत आ जाता है यार। कुछ लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, मुझे तो तुरंत आ गया क्लास चालू करते साथ ही। और दो दो नोटिफिकेशन आए हैं, एक तो क्लास स्टार्ट होने का और एक जो अलग से मैं सेंड करता हूं वो भी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बड़ी तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो दो मिनट और वेट करते हैं दोस्तों, फिर स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों जल्दी से। आज के डीआई थोड़े अच्छे लेवल के हैं, अच्छा मतलब कि बिल्कुल एग्जाम लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रखेंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही लेवल के डीआई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़े और एग्जाम से ऊपर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे आखिरी आखिरी सेट में, जब सभी लोग सीख जाएंगे, सभी से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए 225 आंसर आ रहा है काफी सारे लोगों का, 1000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। बस जैसे ही होंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाकी जो लेट हैं फिर उनके लिए तो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, एक दो मिनट तक वेट करना बनता है। ये रिकॉर्डेड कैसे देख सकते हैं अंकित जी? रिकॉर्डेड का मैंने आज ही तो वीडियो बताया कि आप लोग रिकॉर्डेड कैसे देख सकते हो। आज ही यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला है, आप बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल ओपन करिए, उस पर मैंने एक वीडियो डाला है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने उसका लिंक शेयर किया है, उस वीडियो को अच्छे से देख लो जिनको भी डाउट आ रहे हैं कि सर पीडीएफ कैसे देखना है, सर रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देखना है, लाइव क्लासेस कैसे देखना है। सुमित जी कौन सी लिस्ट के बारे में बोला था, मैं भूल गया, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज के बारे में बोला था। ठीक है, मैं इसके मतलब इसके पीडीएफ के साथ आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हो गया, बहुत रुक गए, बहुत वेट कर लिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो तीन डीआई आप आज हम सॉल्व करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो डेटा को समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ टीवी फ्रॉम थ्री कंपनीज ड्यूरिंग 1999 से 2004, मतलब 1999 से लेकर 2004 तक जो कंपनी टीवी मैन्युफैक्चर करती है तो उसके डेटा के बारे में पूरा जानकारी हमको यहां पर दी गई है। ठीक है, 1999 से 2004 तक वो जितने भी टीवी का प्रोडक्शन करती है अलग अलग कंपनीज, तो उनके बारे में डेटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलजी ड्यूरिंग ऑल द इयर्स टेकन टुगेदर। तो बोल रहा है कि एलजी का आपको एवरेज निकालना था सारे इयर्स का मिलाकर, तो एलजी का एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं ना कि सारी वैल्यूज को एड कर लेते हैं और उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप वही कर सकते हो। एक थोड़ी अच्छी अप्रोच मैं आप लोगों को बताता हूं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं बेस वैल्यू लेने वाला, वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो जब अजीब सी वैल्यूज होती ना तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। तो आपको ये जितनी भी वैल्यूज दिख रही है आपको सबको ऐड करना था, तो आप क्या करोगे, ऐड ना करके हम क्या करेंगे, हम एक बेस वैल्यू मान लेंगे। तो मैंने मान लिया 200, मेरी बेस वैल्यू आ गई 200, मैंने मान लिया कि सभी का एवरेज जो है, बेस एवरेज जो है वो 200 है, मैंने माना। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि एलजी में ये जो पहला वाला दिख रहा है वो 200 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, मैं यहां पर लिख लेता हूं +25। दूसरा वाला देखो 75 ज्यादा है, लिख लेता हूं 75।
ये वाला कम है माइनस 25, ये वाला 125 ज्यादा है, ये वाला जीरो 200 के बराबर है क्योंकि, ये वाला माइनस 50। तो दोस्तों माइनस 50 माइनस 25 मिलाकर कितना होता है? 75 होता है। माइनस 50 माइनस 25 75 होता है ना, तो ये प्लस का 75 कट गया। अब 125 और 25 मिलाकर 150 होता है, इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25। ये अपने बेस वैल्यू में ऐड करो, वो आपका आंसर बन जाएगा। बहुत तेज वॉल्यूम है, कुछ लोग बोलते हैं सर वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ लोग बोलते हैं बहुत तेज वॉल्यूम है, समझ नहीं आता यार। मैं अपने हिसाब से पहले कम रखा था, किसी ने बोला सर वॉल्यूम कम है तो मैंने बढ़ा दिया, मैं फिर से कम कर दिया हूं। भैया जिसको कम आ रहा है आपका मोबाइल में आवाज कम आती होगी, आप ईयरफोन यूज करिए अच्छे वाले। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? बेस वैल्यू से बड़ी बड़ी आसानी से बड़े जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि हम नए नए चीजें सीख रहे हैं तो टाइम लगता है। अब देखो 200 मैंने मान लिया, फटाफट देखूंगा भाई 25 75 माइनस 25 125 जीरो और माइनस 50, तो 50 और 25 कट गया इस 75 से, 25 और 125 मतलब 150, डिवाइड करूंगा इसको 6 से तो आएगा 25, 25 प्लस मेरा बेस वैल्यू 200 यानी कि 225 मेरा आंसर, ऐसे निकलता है फटाफट, हार्डली 30 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए अभी तक आंसर आ चुका होगा बहुत सारे लोगों का। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द थ्री कंपनीज इन 2003 टू 1999। तो 2003 में तीनों कंपनीज का मिलाकर बोल रहा है, तो भाई 2, 2, 4, 2, 5 और 6, 600 हो गया। इसका रेशियो आपको किसके साथ निकालना था? 1999 का। तो 99 में कितना है भाई टोटल, इन सभी को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये 225 और 275 मतलब मिलाकर 500 हो गया, 600, 700, 800, 825। तो 600 जो है अगर उसको आप 25 से काटते हो तो कितना बनता है भाई? भाई जिसको 25 का स्क्वायर पता है वो इजीली आंसर दे सकता है, जिसको आंसर पता है। 28 कैसे दे रहे हो यार? मैं कुछ गलत किया क्या? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल द थ्री कंपनीज इन 2003? 2, 2, 4, 2, 6, 7। अच्छा 700 था यार, ठीक है मेरी गलती। वही मैं बोला हड़बड़ी में, क्या गड़बड़ी कर दिया मैं। तो दोस्तों ये देखो ऊपर वाला जो है ना ये 700 हो रहा है, ये 600 नहीं है, ये 700 हो रहा है। ठीक है, ये 700 है, ठीक है। और इस वाले को भी मैं एक बार देख लेता हूं कितना हो रहा है, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 825। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखो जिसको भी 25 का स्क्वायर पता है वो इजीली आंसर दे सकता है। ये वाला नहीं होगा है ना, ये मैं गलत मार्क कर दिया हूं। तो जिसको भी 25 का स्क्वायर पता है भाई 25 इंटू 25 करते हैं तो 625 आता है। ये 625 से तीन और बार ज्यादा है मतलब कि 28, तो ये तो 28 आएगा भाई यहां पर, ये तो कंफर्म हो गया कि 28 आएगा। अब ये देखो 700 से ये पांच बार और ज्यादा है, 25 25 25 करके पांच बार आप और ऐड करोगे तब जाके 825 आएगा, तो यानी कि 33। तो 28 33 आपका आंसर बनेगा, जो कि यहां ऑप्शन में नहीं दिया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 28 33 ये आपका ऐसा बनेगा, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, आंसर बता दे रहा हूं 28:33 ये आपका आंसर बनेगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहां ऑप्शन में। ठीक है, तो सभी ने उम्मीद करता हूं आंसर निकाल लिया होगा। नेक्स्ट जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए दोस्तों, 3 DI करने हैं इसके, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है इसका। इतनी बारिश हो रही है, लाइट भी गोल है यार, यहां तो पावर ही नहीं है। जो सुबह बोल रहे थे सर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा भाई, अभी पंखा एसी कूलर कुछ नहीं चल रहा है, अभी अभी मस्त मेरी आवाज आ रही होगी बस।
देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ टीवी बाय ऑल द थ्री कंपनीज टुगेदर फ्रॉम 2001 टू 2002। तो बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है प्रोडक्शन ऑफ टीवी में ऑल द थ्री कंपनीज टुगेदर फ्रॉम 2001 से 2002 में। तो 2001 में देखो तीनों कंपनी का मिलाकर कितना था भाई, ये देखो इसको टोटल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, ये 600 दिख रहा है 2001 में। 2002 में कितना दिख रहा है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 925 दिख रहा है, 925। तो आपको बोल रहा है कि 2001 से 2002 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज थी, यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, ये 600 था, ये 600 था। पहले तो मैं सिंपल वे में बता देता हूं, जिनको नहीं आता, जिनका बेसिक एकदम वीक है उनको पहले मैं बता देता हूं। करना क्या होता है दोस्तों, कल मैं एक गाना बताया था आपको, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसको याद रखिएगा। फाइनली आ गई यार, ठीक है। तो देखिए कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए आप यहां पर कितना बढ़ रहा है भाई, कितना इंक्रीज हो रहा है, 325 का इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है, 600 से इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दो जीरो कट गया, 6 से इसको काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 6 5 30 6 4 24, मतलब 54% आपका आंसर बनेगा अप्रॉक्स, समझ में आया। तो ऐसे करते हैं, और जिनको जिनको बेसिक वगैरह सब कुछ पता है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो भाई, सीधा सीधा यहां पर ये देखो कि कितना ज्यादा दिख रहा है, 325 डिवाइड बाय 6 कर दो, क्योंकि आपको पता है भैया 100 से दो जीरो तो कट ही जाने हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, 600 में जो दो जीरो है और 100 के जो दो जीरो वो तो कट ही जाने हैं। तो सीधा आप 325 को 6 से डिवाइड करो, 5 और 4, सीधा दिखता है 54 आंसर, ठीक है। इंक्रीज तो बोला नहीं है, है? अरे यार परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ही तो होता है ना यार। देखो परसेंटेज चेंज का मतलब या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, चेंज का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको इंक्रीज दिख रहा है ना, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वही तो बताना है, सिंपल सी चीज है, समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब क्या है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है दमदार थोड़ा सा भाई, देखकर डरना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल को देखकर नहीं डरना है, बड़ा देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं बनेगा, बनेगा आराम से, बहुत ईजी है। अंकित सिन्हा जी बोल रहे हैं 925 होगा, नहीं होगा भैया, कितना अपॉन किससे, मैंने गाना क्यों बताया है, इसीलिए तो गाना बताया हूं ताकि आप लोग ये गलती ना करें जो आप कर रहे हो। अंकित सिन्हा जी जो आप गलती कर रहे हो ना, वैसी गलती बहुत लोग करते हैं, इसीलिए मैंने वो गाना बताया है आपको छोटा सा, एक उसको याद रखिए, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंक्रीज कितने का हुआ 2001 से 2002 में, इंक्रीज कितने का हुआ, 325 का इंक्रीज हुआ, और किससे भाई, पहले 600 था अब 925 हो गया है, मतलब 600 से बढ़कर हुआ ना, तो 600 हुआ यहां पर, क्योंकि 600 से बढ़ रहा है, तो किससे, 600 से मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा याद रखिएगा इस गाने को, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, स्किप नहीं करना है भैया, बनाना है सबको, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। कल 1500 लोग थे, आज 1300 लोग हैं, 200 लोग गायब हो गए, सिर्फ देखने आए थे। 600,000 आंसर आ रहा है कई लोगों का, चलो स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ 80% ऑफ द टीवी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2000 आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 356 फ्रॉम LG, Onida एंड Samsung,
तो ये जो रेशियो बोला जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग तो इसी में गलती कर देते हैं। भाई पहले क्या बोला है एलजी, आप ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले बोला है एलजी, उसके बाद क्या बोला है ओनिडा, उसके बाद क्या बोला है सैमसंग। तो इनका आपको रेशियो क्या बोला है, 3-5-6 का, 3, 5 और 6, ठीक है। तो बोल रहा है कि 80% ऑफ द टीवी प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2000, तो 2000 में जितना भी प्रोड्यूस हुआ था, 80% ऑफ द टीवी प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2000 आर सोल्ड इन द रेशियो 3, 5 और 6 फ्रॉम एलजी, ओनिडा एंड सैमसंग रेस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग टीवी बाय एलजी एंड सैमसंग। अब क्या दिया, देखो नोट, देखो नोट को देखना क्या बोल रहा है। प्राइस पर टीवी ऑफ एलजी, ओनिडा एंड सैमसंग इज 12,000, 15,000, 8,000। इसका प्राइस कितना है 12,000, इसका कितना है एलजी के बाद क्या बोला है ओनिडा, ओनिडा का कितना है 15,000, और इस वाले का प्राइस कितना बोल रहा है 8,000। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। आपको बोल रहा है इफ 80% ऑफ द टीवी प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2000 आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ, मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है भाई यहां पर। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 875, टोटल 875 हुआ है, हाँ या ना। फिर से ऐड कर लो भाई, ये देखो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 875, टोटल 875 यहां पर क्या हुआ है, टोटल टीवी 875 प्रोड्यूस किए गए थे, 875। अब बोल रहा है इसका 80%, तो भाई इसका 80% अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा। अगर इसका 80% का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना है। 80% हम कैसे निकालते हैं, 80/100 करके निकालते हैं, तो फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखिएगा कि 4/5 होता है। अगर 80% निकालना है मतलब सीधा सीधा आपको 4/5 करना था 4/5, तो 4/5 जब करोगे तो 5 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/7, 5 होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फटाफट होना चाहिए भाई आपका। 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 5 37 बचा, 5 7 35, फिर 25 बचा, तो 5 5 25, ये तुरंत होना चाहिए। ये सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 175 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 800 होता है। 25 25 आपने 4 बार एक्स्ट्रा लिया तो 100 माइनस कर दो, यानी 700। समझ में आया ना, 175 × 4 करोगे कितना आएगा, 700। तो 700 जो था वो आपका क्या था, 80% ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2000 में प्रोड्यूस किए जाने वाले पूरे टीवी जितने भी थे उसका 80% जब आपने निकाला तो वो आया 700। अब बोल रहा है इन 700 टीवी को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो उतना उतना ये लोगों ने बेचा है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों, रेशियो का एक बेसिक गाना होता है, उस गाने को याद रखिए। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 700 टीवी है जो कि बिके हैं, तो इसको रेशियो के टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो रेशियो का टोटल क्या दिख रहा है, 6 सैमसंग वाला है, ओनिडा वाला 5 है, एलजी वाला 3 है, तो 5 3 8 और 6 14। तो टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दो भाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 × 3 हम पहले ये निकालेंगे एलजी, तो 150 आ गया। फिर हम ओनिडा निकालेंगे तो 50 × 5 250 आ गया। फिर 50 × 6 तो ये 300 आ गया। तो गाना याद रखिएगा जिनको रेशियो का बेसिक नहीं पता भी, रेशियो कैसे निकालते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है 250, ये 150, ये 300। अब दोस्तों आपको बोला क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग टीवी बाय एलजी एंड सैमसंग। तो एलजी और सैमसंग के रेवेन्यू का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग टीवी बाय एलजी एंड सैमसंग। तो एलजी और सैमसंग के रेवेन्यू का आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 24 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 12 × 1.5 करोगे तो 18 हो जाएगा। करके देखो भाई इसको, मल्टीप्लाई करके देखो, 24 और 18 आ रहा है तो 60 आएगा आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, देखो कुछ लोग पूरा पूरा करते रहते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो आपको क्या पता है, यहां 3-0 है, यहां भी 3-0 है, ये 3-0 को हटा दो, ये 3-0 को हटा दो, ठीक। यहां के ये 2-0 को हटाओगे तो यहां पर ये 2 के बाद में ऐसा पॉइंट लगा लो, तो 18 × 1.5 करोगे तो कितना होता है, सॉरी 12 × 1.5 करोगे तो कितना होता है, 18 होता है। वैसे 8 × 3 करोगे तो 24 होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई, 6 दिख रहा है।
अब वो जो 0,0,0 थे वो सब लाख के बराबर थे, यानी कि 6,00,000 आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? बहुत हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगर ये आपसे नहीं बन रहा है मतलब आपका मैथ्स बहुत वीक है अभी। चलिए इस डीआई का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए फिर अगले डीआई पर चलेंगे। अगला पाई चार्ट डीआई है। अरे बिपिन जी आप क्लास नहीं देखते हो क्या? कितने बार तो बता चुका हूँ, अंकुशलांबा.com पर जाइए और देखिए, अंकुशलांबा.com पर जाइए और देखिए। परवेश जी टारगेट बैच अलग चीज़ है, डिफरेंट। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिल लेते हैं वो अलग चीज़ है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी, जुलाई मंथ का रजिस्ट्रेशन ओपन है, बल्क रजिस्ट्रेशन जो होता है 100 लोगों का। बाकी दिन में एक दो लोग तो ले ही सकते हैं। घर पे प्रैक्टिस के लिए अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, मैथ में कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बेसिक कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें? डेली कम से कम 30 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कम से कम 30 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने अभी तक निकाल लिया होगा। अभी तक आंसर आया नहीं है वैसे किसी का। सागर ने दिया है सबसे पहले आंसर 20.8 जो कि ऑप्शन है सी, लेकिन उसके बाद प्रियंका ने दिया है 12.3, उसके बाद दिलीप ने दिया है 20.8, गौतम ने दिया है 20.8, मतलब कि आंसर सबसे पहले सागर ने दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है जिसने भी आंसर पहले निकाला। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। इफ द टीवी प्रोड्यूस फ्रॉम एलजी एंड सैमसंग ड्यूरिंग 2005 इंक्रीज बाय 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करिए। इफ द टीवी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलजी एंड सैमसंग ड्यूरिंग 2005, तो एलजी और सैमसंग की बात कर रहे हैं, यहां लिख लेते हैं एलजी और सैमसंग। 2005 का डेटा तो हमको दिया नहीं है तो हम यहां पर 2005 का डेटा बनाएंगे। बोल रहा है कि वो इंक्रीज किया गया है 20% और 40% से रेस्पेक्टिवली। तो भाई इंक्रीज कहां से करेगा भाई? 2005 में अगर इंक्रीज हो रहा है और अगर आपको बताया नहीं है कि कौन से साल से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेफिनेटली जस्ट पिछले साल से इंक्रीज होगा। भाई मान के चलो कि मेरी सैलरी आज 1,00,000 रुपए है, अगले महीने मतलब अब मैं बोल रहा हूँ मेरी सैलरी 20% से इंक्रीज हो गई, तो मैं अपने पिछले साल वाले से ही तो कंपेयर करूंगा ना, अगर जब तक बोला नहीं है क्वेश्चन में। क्योंकि कभी कभार ऐसा बोल भी देता है कि इन 2005 इंक्रीज हो रहा है 20% 40% विथ रेस्पेक्ट टू ईयर 2000, तो जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक आपको क्या करना है, जस्ट पिछले साल से ही आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों एलजी की अगर हम बात करें तो एलजी का कितना दिख रहा है, ये देखो 150 दिख रहा है, तो बोल रहा है 150 से 20% बढ़ रहा है। तो 150 का 20% कितना होता है? देखो 150 का 10% होता है 15, तो 15 का डबल यानी कि 30, यानी कि 180 हो गया ये। सैमसंग का बोल रहा है 40%, तो सैमसंग देखो कितना दिख रहा है आपको, 22.5, मतलब 225 दिख रहा है। तो 225 का 40% मतलब कितना होगा भाई? देखो 22.5 इसका 10% है, 22.5 इसका 10% है, तो 22.5 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाता है? 22.5 इंटू 4, क्योंकि 10% है अगर 22.5, तो 40% यानी कि 4 गुना। तो 22.5 प्लस 22.5 प्लस 22.5 प्लस 22.5 90 होता है, करके देखिए दिमाग में करिएगा, लिख लिख कर मत करिएगा, होता है 90, मतलब कि इसमें आपको 90 बढ़ा देना है। तो अगर इसमें हम 90 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें अगर 225 में 90 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 225 में 75 बढ़ाएंगे तो 300 होता है, फिर 15 और बढ़ाएंगे तो 315 होता है, मतलब ये 315 हो गया। तो अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2000 to 2005 फॉर एलजी एंड सैमसंग टुगेदर। तो दोस्तों जो इंक्रीज हुआ है ना, आपको सिर्फ उतने को देखना है, आपको ये वैल्यूज को देखने की जरूरत ही नहीं थी।
आप ये देखिए कि यहां पर इंक्रीज कितने का हुआ था, 30 का, और यहां पर इंक्रीज कितने का हुआ था, 90 का। तो दोनों मिलाकर इंक्रीज कितना हुआ, 120। मैंने गाना क्या बताया था, कितना अपॉन किससे, तो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 90 यहां हो रहा है, 30 यहां हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 120। किससे इंक्रीज हो रहा है भाई, इधर वाले का देख लो, ये देखो चेंज फ्रॉम 2000 टू 2005, तो 2000 वाले का देख लो भाई कितना था, इसको टोटल करो, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 875। समझ में आया, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना चेंज हो रहा है, 120 का चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, 2000 वाले डेटा से चेंज हो रहा है, तो 2000 वाला डेटा जो था वो था 875। सॉरी यार एक मिनट रुको ना, पिछले साल की बात कर रहा था, आप 2000 बोल दिया, थोड़ा चेंज है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, गलती कर दी मैंने। कितना अपॉन किससे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें पूरा टोटल को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पिछले साल वाले कंपैरिजन में बढ़ाया था ना। देखो यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ध्यान से सुनना भाई, 2004 के रेस्पेक्ट में हमने यहां पर बढ़ाया है ना, तो सिर्फ बढ़े वाले को नहीं देखेंगे हम, यहां वाले को पूरा टोटल करेंगे। तो यहां वाले का टोटल कितना हो गया भाई, देखो 3, 4, और यहां के तीनों को करने की जरूरत नहीं थी, है ना, मैं दो ही लेना था सिर्फ, हमको गलती कर दिया यार मैं, ठीक है, ये 2005 का डेटा है, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, ये जो डेटा है ये 2005 का डेटा है, ये जो डेटा है वो 2005 का डेटा है, तो 2005 के डेटा को अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होता है, 495। अब बोरा 2000 वाले से कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2000 वाले में देखो एलजी और सैमसंग का कितना दिख रहा था, 275, और ये तीनों को ले लिया था मैंने गलती से, ठीक है, मेरी गलती थी, तीनों को मैंने ले लिया था, आपको क्या करना है, दोनों को लेना है, एलजी और सैमसंग को, तो कितना हो रहा है, देखो 3, 2, 5, 6, 625, तो ये वाला 2000 वाला हो रहा है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज। अब यहां पर दोस्तों चेंज का मतलब बताइए, जैसे उस समय किसी एक ने सवाल किया था, मुझे नाम याद नहीं है अभी, किसी ने सवाल किया था सर परसेंटेज इंक्रीज नहीं बोल रहा है, पर यहां भी तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा है, पर हो क्या रहा है यहां पर, कोई बता सकता है, यहां इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, जल्दी से बताएं, परसेंटेज चेंज की बात की है, तो जब परसेंटेज चेंज की बात की है मतलब कि पहले कितना था और अब कितना है, पहले कितना था और अब कितना है, तो पहले 625 था भाई 2000 में, पहले 625 था 2000 में, अब कितना है 495, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना भाई, पहले 625 था 2000 में, अब 495 है 2005 में, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कितने का डिक्रीज हो रहा है, ये देखो 625 से 495 मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 100, 125 और 5 यानी कि 130 का डिक्रीज हुआ, किससे डिक्रीज हुआ, इस वाली वैल्यू से डिक्रीज हुआ ना, तो 625 आएगा नीचे। इसमें बहुत लोग गलती जो करते हैं दोस्तों, गलती नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा कितना डिक्रीज हुआ अपॉन किससे डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ अपॉन किससे इंक्रीज हुआ, तो गाना याद रखिएगा कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, फॉर्मूला एक तरीके से, ठीक, समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो कुछ लोगों को सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है, बता देता हूं भाई, 25 का स्क्वायर होता है तो पता है ना आपको, 25 × 25 करोगे तो 625 आता है, 25 × 4 करेंगे, अब देखो 5 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा, अब 26 × 4 करोगे तो 104 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना होगा, 20.8, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, इसी के साथ पहला डीआई समाप्त होता है, दूसरे डीआई पर चलते हैं, समझ में आया होगा सभी को, ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, आंसर दीजिए, सर अक्षरों को थोड़ा बड़ा करिए, बहुत छोटा छोटा लिखा है दोस्तों, इससे बड़ा करूंगा ना तो फिर मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचेगी। रितेश इंक्रीज नहीं हो रहा ना, 625 था 2000 में, ईयर 2000 में 625 था, और अब 495 हो गया है,
तो कम हुआ ना, डिक्रीज हो रहा है ना भाई। आकाश जी रीजनिंग की बात रीजनिंग की क्लास में करिए, करवा दूंगा मैं बिल्कुल। भानुप्रिया आप ध्यान नहीं दिए। देखो क्या था, हमने जो निकाला था ना 2005, वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, 2004 के, कि भाई 2004 में इतना था तो अब बढ़ के 20% और 40% बढ़ के कितना हो गया, 495 हो गया टोटल दोनों मिला के 2005 में। पर उसका कंपैरिजन जो पूछ रहा था ना कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो किससे पूछ रहा था, 2000 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, इसलिए 130 आया। अगर वो 2004 के रेस्पेक्ट में ही पूछा होता ना तो फिर तो बहुत ही हलवा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। जो मैं पहले कर रहा था, जो मैंने गलती कर दी थी, वो बहुत ही इजी हो जाता फिर। देखो यहां पर दोस्तों पहले तो डेटा को समझते हैं, क्या बोल रहा है, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इन अ गार्डन, कितने ट्रीज लगाए जा रहे हैं उसके बारे में परसेंटेज का पूरा ब्रेकअप यहां पर दिया हुआ है। अब देखो टोटल ट्रीज कितना बोल रहा है, 8200 है, तो हमको अगर ये परसेंटेज निकालने की कौन से ट्रीज कितने लगाए गए हैं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो परसेंटेज होता है ना, ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये परसेंटेज और दो जीरो हमेशा कट जाते हैं। क्यों, जैसे अगर मुझे 8200 का क्या निकालना है, मुझे ये 15% निकालना है, तो मैं कैसे निकालता हूँ, इंटू 15/100 ऐसे ही निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप परसेंट निकाल रहे हो तो ये वाले दो जीरो और ये वाले दो जीरो डेफिनेटली कटेंगे, तो डायरेक्ट आप 82 × 15 करोगे परसेंटेज अगर निकालना है। तो यहां पर अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, 82 × 13 × 18 × 15 × 10 × 12 × 24 × 8, तो हमारे सारे परसेंटेज निकल जाएंगे, सारा डेटा हमारा निकल जाएगा। ठीक, समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि नहीं कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, ये मत सोचिए कि मैं आगे हाई लेवल से बता रहा हूं, नहीं, एकदम जीरो वाला लेवल, जिसको कुछ नहीं आता उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 82 × 13 करूंगा, परसेंटेज आ जाएगा, 82 × 18 करूंगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं वो भी बता दिया, देखो 8200 का 18% निकालना है तो कैसे निकालोगे, 8200 × 18/100 ऐसी निकालते ना परसेंटेज, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। बस वही चीज हम कर रहे हैं, दो जीरो से परसेंटेज को पहले ही काट दे रहे हैं, तो ऐसे आप पूरा डेटा निकालोगे। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पपाया एंड मैंगो ट्रीज प्लांटेड टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज ट्रीज प्लांटेड टुगेदर रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, रेशियो निकालना है आपको, किसका किसका, पपाया और मैंगो का। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पपाया और मैंगो का आपको क्या निकालना है, पहले तो टोटल निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, पपाया निकालने के लिए देखो 24 × 82 इससे आ जाएगा आपका पपाया, ठीक है ना, 24 × 82 करोगे, ये देखो 24 × 82 करोगे। सुनते जाना और कोई भी कमेंट नहीं करना, शांत रहना, ठीक है, कमेंट बीच में नहीं करना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए शांत रहना। तो पपाया अगर मुझे निकालना था, ये देखो, तो मैं कैसे निकालूंगा, 24 × 82 प्लस मैंगो निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई, मैंगो का देखो 12% है, 12 × 82, ठीक है, इसका रेशियो निकालना था किसके साथ, किसके साथ निकालना था, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, तो ग्रेप्स वाला कितना दिख रहा है भाई, 8, यानी कि 8 × 82, और ऑरेंज का देखो, ऑरेंज कितना दिख रहा है, 18, यानी कि 18 × 82, तो ये इससे रेशियो निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, कितने लोगों ने ऐसे निकाला है आंसर, जिन्होंने देखो, जिन्होंने ऐसे नहीं निकाला आप लोग कमेंट मत करिए, नो कमेंट मत करना, जिन्होंने निकाला सिर्फ वो लोग कमेंट करिए यस करके, मुझे देखना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम बिगिनर है, जो इस तरीके से कर रहे हैं और उनको लगता है कि सर बहुत लेंदी है। एक बार बताइएगा कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस तरीके से कर रहे थे, जो कर रहे हैं सिर्फ वही यस लिखिए, बाकी लोग मत लिखिए कुछ भी। अरे चलो डिफरेंस ही बोला है, मतलब इस तरीके से कौन कौन कर रहा था, डिफरेंस बोला है, चलो डिफरेंस कर लेते हैं, इसको डिफरेंस कर देते हैं ना, प्लस की जगह माइनस कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है अब, ठीक है। काफी सारे यस आ रहे हैं, जिनको लगता है ना, यहां पर बहुत लोग बोल रहे हैं
कि सबको पता होता है, सबको पता होता है, देख लो भैया यस वाले कितने सारे हैं, हर किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए, मुझे भी नहीं पता था पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, मुझे भी नहीं पता होता था, मैं भी ऐसे ही सॉल्व करता था। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ना दूसरों का मजाक मत उड़ाओ भाई कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। भाई मैं आज की डेट में बहुत अच्छे नंबर ले आता हूँ, जज्बा होना चाहिए सीखने का। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, जो भी ऐसे कर रहे थे ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, जब आपका बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू मतलब कि आप ये 8200 से ही 13% निकाल रहे हो, इसी से 18% निकाल रहे हो, इसी से 15% निकाल रहे हो, इसी से 8% निकाल रहे हो, इसी से 24% निकाल रहे हो, इसी से 12% निकाल रहे हो, जब आपका बेस वैल्यू सेम है कि एक ही वैल्यू का आप अलग 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 परसेंटेज निकाल रहे हो, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट करना होता है। डायरेक्ट मतलब कि कब करना होता है, रटना नहीं है। बहुत लोग क्या रट के चले जाते हैं, फिर हर जगह लगा देते हैं वही चीज़ को और आंसर गलत आता है। रटना नहीं है, कब करते हैं, जब बेस वैल्यू सेम होती है। जैसे ये एक पाई चार्ट है, इसकी बेस वैल्यू 8200 है, हम जितने भी परसेंट ये पपाया और मैंगो जो निकाल रहे हैं वो इस 8200 का ही तो निकालेंगे। तो पपाया और मैंगो का देखो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 24 और 12 का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 24 और 12 का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है ना। इसका रेशियो निकालना था किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज ट्रीज प्लांटेड टुगेदर रेस्पेक्टिवली। तो ऑरेंज और ग्रेप्स, ऑरेंज और ग्रेप्स वाला देखो भाई कितना दिख रहा है, देखो ऑरेंज का 18 है, ग्रेप्स का 8 है, तो 18 और 8 मतलब 26। इनका टोटल बोला, देखो पहले वाले का डिफरेंस बोला था, दूसरे वालों का टोटल बोला था, तो दूसरे वाले का टोटल मतलब कि 18 + 8 यानी कितना हो गया 26। अब इसको आप काट दो, ये 6, ये 13, ये आपका आंसर। ऐसे निकाला जाता है। तो कब निकालते हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, रटना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, रटते हैं, रटो मत, समझो चीजों को क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी मत करो अभिषेक, प्लीज यार मुझे समझाने दो, एक घंटा तो दे दो यार एटलीस्ट, मैं एक घंटे के अंदर ही खत्म कर दूंगा पूरा क्लास, टेंशन मत लिया करो, समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। जो लोग काबिल भी होते हैं ना, जो कर सकते हैं पेपर क्लियर, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई मतलब ना पूरा एकदम डिटेल में उस चीज को नहीं बताता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों हुआ डायरेक्ट, उसको सोचो ना, क्योंकि बेस वैल्यू सेम थी। अगर बेस वैल्यू सेम थी तो आप इसका 24% निकालोगे, उसी का 12% निकालोगे, फिर डिफरेंस करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो, 12 आ गया। इन दोनों का देखो भाई, ऑरेंज और ग्रेप्स 18 और 8 यानी कि 26, तो 12 और 26 मतलब कि काट दो भाई, 6 और 13, ये आपका आंसर बन गया, खत्म। 10 सेकंड का आंसर, 10 सेकंड का आंसर था, उससे ज्यादा का नहीं था पिछला वाला, ठीक है। अब फटाफट बना लोगे भाई, पाई चार्ट में ये चीज यूज होती है बहुत ज्यादा। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो अभी तक निकाल भी लिए होंगे, ध्यान से देखिएगा, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ ग्रेप्स ट्रीज प्लांटेड, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ ग्रेप ट्रीज प्लांटेड आर लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो एंड चेरी ट्रीज प्लांटेड टुगेदर। बोल रहा है ग्रेप्स वाले, तो ग्रेप्स वाले कितने, अब डायरेक्ट करना है भाई, अब मैं एक बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रेप वाले बोल रहा है यानी कि 8, कितना कम है किससे, नंबर ऑफ मैंगो एंड चेरी, तो मैंगो और चेरी देखो भाई कितना है, देखो चेरी 13 है और मैंगो 12 है मतलब 25, तो बोल रहा है 8 जो है वो 25 से कितना कम है, 17 कम दिख रहा है भाई, 8 जो है वो 25 से कितना कम है, 17 कम दिख रहा है, किससे कम है, 25 से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 25 से ये कटेगा 4, 17 × 4 करोगे 68 आपका आंसर। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, बोला है बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ ग्रेप्स ट्रीज प्लांटेड, तो ग्रेप्स वाले देखो भाई कितने हैं, 8%। बोल रहा है ये जो 8% है वो कितना कम है देन द नंबर ऑफ मैंगो एंड चेरी, तो मैंगो और चेरी देखो कितना है, 12 और 13 यानी कि 25, तो बोल रहा था ये जो 8% है वो इस 25% से कितना परसेंट कम है, 13% कम है, किससे, 25% से, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हटा दो, अब 25 से इसको काटो 4, 17 है, ठीक है, तो 17 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 68, ये आपका आंसर, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पपाया ऑरेंज एंड एप्पल ट्रीज प्लांटेड, पपाया ऑरेंज और एप्पल
अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत लोगों ने आसानी से निकाल लिया होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पपाया ऑरेंज एंड एप्पल ट्रीज प्लांटेड। पपाया वाले कितने दिख रहे हैं भैया आपको? 24। एप्पल वाले कितने दिख रहे हैं भैया आपको? 10। और ऑरेंज वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 18। तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें, तीनों का टोटल पूछा है तो तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 24, 10, 34 में 18 ऐड करोगे मतलब 52%। तो आपको 52% निकालना है, 82 का निकालना है, 52% निकालना है, 82 का निकालना है। भाई यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 होता है, ये आपका आंसर। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 होता है, वो आपका आंसर बन गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो 8200 का 50% कितना होता है? 8200 का 50% कितना होता है? 4100 होता है, मतलब 4100 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 4100 से थोड़ा सा ज्यादा 4264 दिख रहा था, ये आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते थे। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, अरे यार जो भी लोग बकवास कर रहे हैं भाई, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, बकवास मत करो, पढ़ाई करना है करो यार, और कभी भी ना चीजों को सीखने आया करो टीचर से। किसी भी टीचर के क्लास में जब आते हो ना, तो बकवास चीजें मत किया करो यार, पढ़ा करो। क्योंकि यहां पर ना कुछ ऐसे भी लोग बैठे होते हैं ना, जो बहुत मजबूरी में जिंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। आपके बकवास करने से कुछ लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, सोचिए उनकी कितनी आप लोगों को हाई लगेगी, बद्दुआ लगेगी, सोचिए। जब एक गरीब इंसान बड़ी मेहनत करके पैसे कमाकर कोई एक कोर्स खरीद कर वहां पर आ रहा है पढ़ने के लिए कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपने परिवार वालों का पेट भरूंगा, पालूंगा और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करूंगा, वैसे इंसान का अगर डिस्टर्बेंस होता है ना, तो आप सोचिए कि उसकी कितनी बद्दुआ गंदी लगेगी आपको, जो भी लोग बकवास करते हैं क्लास में आके। पढ़ाई करने आते हो यार, पढ़ाई करो। हंसी मजाक अपनी जगह है दोस्तों, मैं मना नहीं करता, मैं खुद ही हंसी मजाक करके आप लोगों को पढ़ाते रहता हूं, ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक करना गलत है, लेकिन नॉन स्टॉप सिर्फ बकवास ही करो जाओगे तो गलत बात है ना यार। फिर हो सकता है आपको आता है बहुत अच्छे से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को आता है, तो सभी के हिसाब से सोचिए, ठीक है। बुरा मत मानना भाई मेरी बातों का, समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पपाया ट्रीज प्लांटेड। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पहले तो हमको डिफरेंस निकालना है किसका किसका, पपाया ट्रीज प्लांटेड। तो पपाया वाले कितने दिख रहे हैं भाई हमको? ये देखो 24% दिख रहे हैं, इसका हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, किसके साथ निकालना है? एंड द टोटल नंबर ऑफ बनाना एंड चेरी प्लांटेड। तो बनाना और चेरी मिलाकर कितने दिख रहे हैं भाई? 15 और 13 मतलब कि कितना हो गया भाई आपका? 10, 20, 28। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4% दिख रहा है भाई, ये वाला 24% है, ये दोनों मिलाकर 28% है, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4% का। तो 82 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 32 यानी 320, और 4 × 2 करोगे तो 8 यानी कि 328, ये आपका आंसर। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया मैंने? 82 × 4 करना था, मैंने क्या किया, पहले 80 × 4 कर दिया तो 320 आ गया, फिर 4 × 2 कर दिया और इसमें 8 में ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। समझ में आया 328 कैसे आया? अगला क्वेश्चन जल्दी आंसर दीजिए। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, देखो मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों। देखो आपको बोला था डिफरेंस निकालना था पपाया का और चेरी और बनाना का टुगेदर, तो पपाया कितना दिख रहा है? 24%। इसका डिफरेंस आपको किसके साथ निकालना है? इन दोनों के टोटल के साथ, तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 28%। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है भाई? 4% दिख रहा है, 4% निकालना है, तो 82 × 4 करोगे, 82 × 4 करोगे तो कैसे करोगे? नॉर्मल कर लो यार, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 328 आ गया, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज प्लांटेड टुगेदर इज ऑफ बनाना अप्रोक्सीमेटली। बोल रहे कि कितना परसेंटेज बनाना का है किसमें? बनाना एप्पल और मैंगो मिलाकर। तो भाई बनाना एप्पल और मैंगो तीनों मिलाकर कितने दिख रहे हैं भाई? 10, 20, 30 और 37। तो बोल रहे 37 में से बनाना वाले का कितना परसेंट है?
यही बोला है, कुछ गलत कर दिया क्या? व्हाट परसेंटेज ऑफ बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज प्लांटेड टुगेदर इज ऑफ बनाना? रुक जाओ यार, कुछ गलत किया हूँ क्या? व्हाट परसेंटेज ऑफ बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज प्लांटेड टुगेदर इज ऑफ बनाना अप्रोक्सीमेटली? कुछ गलत लग रहा है मुझे. What percentage of banana, apple and mango trees एक साथ लगाए गए केले सेब और आम के पेड़ों का लगभग कितना प्रतिशत केले का है? दोस्तों बहुत लोग गलत कर रहे हैं यार, और उस चक्कर में ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा. लैंग्वेज में वैसे तो है प्रॉब्लम. बनाना का परसेंटेज नहीं पूछा है आपसे. व्हाट परसेंटेज ऑफ बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज प्लांटेड टुगेदर, मतलब कि आपको बोल रहा है कि बनाना एप्पल और मैंगो तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? 10, 20, 30 और 37. 37% में से इज ऑफ बनाना अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो बनाना के होंगे. तो आपको बोल रहा है कि बनाना के कितने? 15. मतलब आपसे पूछ रहा था 15 जो है वो 37 का कितना परसेंट है. तो ये ऐसे बनेगा, अप्रॉक्स आपको ऐसे सॉल्व करना है. मेरे ख्याल से तो यही है भाई. एक बार बताइए आप लोग, या तो मैं कुछ और समझ रहा हूं. आंसर एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों. लो बताओ, सभी का गलत है. कोई कोई 35 दे रहा है, कोई 45 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, सभी का गलत है. 40 वाले बिल्कुल सही हैं, 40 वाले बिल्कुल सही हैं. भाई समझ में आया क्वेश्चन? एक डीआई और बचा हुआ है दोस्तों, उसको बनाएंगे इसके बाद. मस्त वाला डीआई है, वो भी भगना नहीं उसको किए बिना, क्योंकि आखिरी डीआई हर क्लास का अच्छा होता है. लैंग्वेज गलत है दोस्तों, इसलिए ना इस पे स्किप मारो. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, स्किप मारो. थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है इसका, लैंग्वेज गलत है. लैंग्वेज गलत में कभी भी क्वेश्चन के पीछे मत ज्यादा दिमाग लगाया करो, क्योंकि जो जो बिगिनर्स हैं वो लोग, ठीक है. लैंग्वेज अगर गलत है तो आप उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो उसको. क्योंकि लैंग्वेज गलत की वजह से क्या होता है ना, कि हम हमारा मतलब जो कंसेप्ट बनता है ना कि हाँ ऐसा होगा तो हमको ऐसा करना होता है, वो गलत हो जाता है पूरा. इसलिए छोड़ दो उसको, ठीक है. 40% जिसका भी 40% आया बिल्कुल सही आया. ठीक है, बनाना का परसेंट पूछा. वही तो बोल रहा हूं ना, लैंग्वेज गलत है, इसको मत देखो भैया, कंफ्यूज हो जाओगे. 40% इसका आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने बनाया है सही है. पहले पूरा डीआई खत्म करते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा जिनको समझना है. वेट करना थोड़ा सा, मैं उसका तब तक देख लेता हूं लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है. आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ तब तक. जल्दी से आंसर दीजिए. कंटेंट मेरा ही है, लेकिन देखो दोस्तों जो क्वेश्चन था ना पिछला, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. 40% जो मैं बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी गलत टाइप की दी हुई है.
ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आपको बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज टुगेदर। तो भाई बनाना एप्पल एंड मैंगो ट्रीज मतलब टोटल मिलाकर जितना भी हो रहा है, तो कितना हो रहा था ये टोटल मिलाकर 37। तो बोल रहा है कि इस 37% में से बनाना के कितने हैं, सिर्फ बनाना वाला जो है वो कितना परसेंट है इन तीनों के टोटल का। मतलब जैसे मान के चलो भाई ए बी सी तीन लोग मिलकर कुछ एक पैसा कमाते हैं, एक अमाउंट कमाते हैं, तो बोल रहा है उन तीनों का मिलाकर जितना भी अमाउंट है उसमें बी का कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली। तो भाई आपसे इस यहां पर देखो बनाना के लिए पूछा है, तो बनाना का कितना दिख रहा है आपको 15%। तो आपसे पूछ रहा था कि जो 15% है वो 37 मतलब टोटल 37% का कितना परसेंट होगा अप्रोक्स, ये आपसे पूछा है। समझ में आया आप? लैंग्वेज में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गलती नहीं है, थोड़ी सी गलती है, तो आप समझ में आया ये चीज। बोल रहा है कि तीनों मिलाकर जितना भी परसेंटेज हो रहा है उसमें से सिर्फ बनाना का अगर हम देखें तो कितना परसेंट बनेगा, तो 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 37%, ये आपको निकालना था। तो कैसे बनेगा भाई ये देखो, ये परसेंटेज परसेंटेज को हटाओ, ये 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1500 हो जाएगा, डिवाइड बाय 37 करोगे तो अप्रॉक्स ये आपका आएगा 40 point something जो भी आएगा, अप्रॉक्स 40 point something जो भी आएगा, ठीक है। तो करके देखिएगा इसको सॉल्व आप लोग, 40 point something आएगा, तो अप्रॉक्स निकालना था इसलिए 40% आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने निकाला, 17-14 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, 17-14। विजय कुमार नहीं यार, क्वेश्चन डिफरेंट, मैं इसलिए तो देखा ना, मैं इसलिए तो चेक करने के लिए वेट किया कि 40 कैसे आया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, गलत तरीके से उसको मेंशन किया गया, लिखा गलत तरीके से गया है, पर पूछना क्या चाह रहा था वो मैंने बता दिया अभी आपको। वो पूछना चाह रहा था कि तीनों मिलाकर जितना भी हो रहा है उसमें से सिर्फ बनाना वाले का कितना परसेंटेज आएगा, वो आपको निकालना था। लाइव कितने क्यों बार बार पूछते रहते हो यार, अभी करीब 1200 से थोड़े कम हो गए, कुछ लोग भाग गए अभी, 1200 से थोड़े कम हो गए। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आंसर आ गया होगा। देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, टेबल शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स इन डिफरेंट बास्केट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड रॉटन फ्रूट्स। क्या बोल रहा है भाई यहां पर, टेबल शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स इन डिफरेंट बास्केट। तो भाई पी वाले बास्केट में कितने एप्पल, 512। क्यू वाले बास्केट में कितने एप्पल, 744। तो ऐसे करके अलग अलग आपको एप्पल बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बताया, एंड रॉटन फ्रूट्स मतलब कि ये देखो, एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड रॉटन फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स मतलब जो खराब हो गए हैं, जो खराब हो गए हैं, रॉटन मतलब सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, ठीक है। उसके क्या बोल रहा है, ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ रॉटन फ्रूट्स, तो रॉटन फ्रूट्स का परसेंटेज यहां पर आपको बताया गया। अब दोस्तों आपको और क्या बोल रहा है यहां पर, नोट दिया हुआ है, देयर आर ओनली एप्पल एंड मैंगो इन द बास्केट्स। सिर्फ मैंगो और बास्केट, क्या बोल रहा है, सिर्फ मैंगो है और एप्पल है बास्केट में, और इसके अलावा और कोई दूसरा फल नहीं होगा, सिर्फ मैंगो है और एप्पल है, इसके अलावा और कोई भी दूसरा फल नहीं होगा। अब आपको बोल क्या रहा है, टोटल फ्रूट्स मतलब कि एप्पल और मैंगो दोनों मिलाकर, और टोटल फ्रूट्स इज इक्वल्स टू रॉटन प्लस गुड मिलाकर, मतलब या तो अच्छे फल होंगे या तो सड़े हुए फल होंगे, ठीक है ना, या तो एप्पल होंगे या तो मैंगो होंगे। अब इस क्वेश्चन को जिसने बना लिया, मान के चलिए एसबीआई पीओ प्री में आपके दोनों डीआई बन जाएंगे, एसबीआई पीओ प्री में आपके दोनों डीआई बन जाएंगे, आईबीपीएस पीओ प्री में भी आपके दोनों डीआई बहुत इजिली बन जाएंगे, बहुत इजिली मतलब 3 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो। ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है गलत ऑप्शन हो, प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों हो जाती है, उसका टेंशन मत लिया करो, ठीक है। हमको उससे क्या करना है, हमको आंसर निकालने से मतलब है। तो यहां पर दोस्तों बोला क्या गया है, देखो सबसे पहले तो आपको यह बोला गया है कि 512 क्या है, एप्पल है, 512 क्या है, एप्पल है, और गुड फ्रूट्स आपको बता दिया, एप्पल प्लस गुड फ्रूट्स, एप्पल प्लस गुड फ्रूट्स, टेबल में गुड दिया हुआ है, हाँ ग्राफ शोज द परसेंटेज। एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेने दो तो उससे पता चल जाएगा कि यहां पर ये गुड होना चाहिए था कि रॉटन होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहां पर एप्पल एंड रॉटन लिखा है और यहां पर गुड लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यार,
बोलना पड़ेगा चौको को, ये सब डीआई चौको बनाता है। एप्पल प्लस गुड फ्रूट्स चेक करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ गुड फ्रूट्स ऑफ बास्केट एस एंड मैंगोज ऑफ बास्केट टी। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है आप लोगों को कि एस और टी वाले का है ना, तो एस और टी की हम बात करते हैं। एस में अगर 510 है मतलब कि 1020 जो होंगे वो क्या होंगे, रॉटन होंगे। रॉटन होंगे तभी तो हम यहां पर क्या करेंगे, रॉटन फ्रूट्स का 35% निकालेंगे तो टोटल फ्रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉटन फ्रूट्स यानी कि अगर ये हम देखेंगे तो एस वाले में कितना दिख रहा है, 25। अगर ये 25% है मतलब कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4080। ठीक है, 4080 टोटल फ्रूट्स थे जिसमें से 510 एप्पल थे। गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये देखो दोस्तों हिंदी में देखो, तालिका विभिन्न टोकरियों में सेबों की संख्या और सेब और सड़े हुए फलों की कुल संख्या को दर्शाती है, ये रॉटन होगा। ठीक है, यहां पर गलती है, ये वाले में गलती है, ये देखो हिंदी वाले में देखो सही है, सड़े हुए फलों की कुल संख्या, यहां पर गुड नहीं आएगा, यहां पर रॉटन आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को जब मैं दोस्तों इसका पीडीएफ दूंगा ना तो उसको मैं सुधार कर दूंगा, ताकि आप लोग जब इसको बाद में जब इसको बनाए तो आप लोगों को ये दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो इसको मैं सुधार कर दूंगा, तो पीडीएफ थोड़ा सा लेट आएगा आपके पास, कल वल तक आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा को समझते हैं दोस्तों, ये गुड की जगह रॉटन होगा, अब सब सही है। अब देखो दोस्तों आप लोगों को बोला क्या गया, क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा आप लोगों को क्या बोला गया है कि अगर रॉटन फ्रूट्स जो हैं वो 35% है। मैं दोनों तरीके से करके देख लेते हैं यार, एक बार रॉटन से करके देख लेते हैं, एक बार गुड से करके देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा सही है कि गलत है। रॉटन फ्रूट्स अगर 35% है, इसका मतलब क्या होगा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं दोस्तों, इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट्स की तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, क्लैरिटी सब मैं लेकर आ रहा हूं ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं बता रहा हूं ना क्या है डीआई में। अगर रॉटन फ्रूट्स 35% है, इसका मतलब 65% हम बोल सकते हैं कि गुड फ्रूट्स होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना भाई, अगर 35% रॉटन मतलब खराब हो गए हैं, तो बाकी के जो 65% है वो क्या है, अच्छे हैं। सिंपल सी चीज है, परसेंटेज का पूरा बेसिक क्लियर होगा ना आपका इस डीआई में। अगर 35% खराब हैं मतलब 65% अच्छे हैं। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर ये गुड लिखा है तो गुड के हिसाब से लेकर मैं पहले बता देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ गुड फ्रूट्स ऑफ बास्केट एस एंड मैंगोज ऑफ बास्केट टी। तो गुड फ्रूट्स ऑफ बास्केट एस कैसे निकालोगे भाई, एस वाले में गुड फ्रूट्स और एप्पल मिलाकर अगर 1530 है, अगर गुड फ्रूट्स और एप्पल मिलाकर 1530 है, इसमें 510 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1020 आएगा। तो ये 1020 तो आपके क्या निकल कर आ गए भाई, एस के गुड फ्रूट्स निकल गए। अब आपको क्या निकालना है यहां पर देखो, एंड मैंगोज ऑफ बास्केट टी, तो बास्केट टी के मैंगोज आपको निकालने हैं, बास्केट टी के आपको मैंगोज निकालने हैं। तो बास्केट टी के मैंगोज कैसे निकालोगे, बास्केट टी के मैंगोज कैसे निकालोगे, ये देखो भाई यहां पर आपको कितना दिख रहा है, बास्केट टी दिख रहा है। अब देखो, अगर यहां पर 1560 में से 720 एप्पल है, ध्यान से सुनना समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। अगर 1560 में से 720 एप्पल है तो गुड फ्रूट्स कितने होंगे, 1560 में अगर 720 एप्पल है तो 840 गुड फ्रूट्स होंगे, होगा ना गुड फ्रूट्स। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि अगर टी में 36.36% आपको दिख रहा है क्या, 36.36% अगर आपको दिख रहा है क्या रॉटन, तो बाकी का जो होगा वो होगा गुड, बाकी का गुड हो जाएगा, हाँ या ना, बाकी का जो होगा वो रॉटन हो जाएगा, बोल सकते हैं, सॉरी बाकी का जो होगा वो गुड हो जाएगा ना भाई, ये वाला रॉटन आपको दिया हुआ है 36.36%। तो अगर 36.36% आपको रॉटन वाला दिया है, तो बाकी का जो बच रहा है वो ये गुड वाला है ना,
तो गाना एक मैंने आप लोगों को बताया था, जो पुराने पहले से क्लासेस देख रहे हैं मेरी उनको पता होगा परसेंटेज का एक गाना जो दिया है, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। आप लोग चाहो तो लिख लो, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ या ना? जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाएगा आंसर, अब जल्दी से बताओ आंसर। इस टाइप के डीआई में डेटा निकाल लेना चाहिए का? मुझे नहीं लगता डेटा निकाल लेना चाहिए क्या। 36.36% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अच्छा, जो चार्ट देने के लिए मैं बोला था दोस्तों कल, मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं जो परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू वाला जो मैं चार्ट दूंगा आप लोगों को बोला था, तो वो आज मैं नहीं दे पाया, बट लेकिन मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज मैं कुछ और ही चीज़ों में लगा हुआ था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो प्लस वाले थे उनको ऐड करना था, तो उसमें टाइम निकल गया। मैं निकाल कर दिखाऊंगा आंसर, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो, बहुत लोगों को तो समझ में आ गया। अभी जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया मैं पूरा अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। तब तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं ये वाले क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, देखो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो। आपको रेशियो किसका किसका निकालना था? गुड फ्रूट्स ऑफ बास्केट एस एंड मैंगोज ऑफ बास्केट टी। तो इसके गुड फ्रूट्स निकालने थे और इसके मैंगोज निकालने थे, इसके गुड फ्रूट्स और इसके मैंगोज निकालने थे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया था सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, और जिनको समझ में आ गया है सब कुछ वो लोग आगे बढ़ जाओ, जिनको समझ में आ गया है वो लोग आगे बढ़ जाओ, सेकंड क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो दोस्तों, डेटा ही पूरा खेल डेटा का है। अगर इस डेटा को आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। आपको बोला ये क्या है, एप्पल प्लस गुड फ्रूट्स। तो अगर मैं इस एप्पल को इसमें माइनस कर दूं तो गुड फ्रूट्स निकल कर आ जाएगा। तो 1530 में मैंने एप्पल को माइनस कर दिया तो गुड फ्रूट्स कितने निकल कर आ गए, 1020। अगर आप देखोगे इसको, इसका रेशियो आपको निकालना था इसके मैंगोज के साथ। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 102 किससे डिवाइड होता है, इधर ऑप्शन देखो, 102 डिवाइड होता है सिर्फ और सिर्फ इससे। तो चाहो तो आप डायरेक्ट 17-10 आंसर मार सकते थे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन गलत है, तो इसलिए मैं अभी ऑप्शन के हिसाब से नहीं बता रहा आपको, बट एग्जाम में आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई पहली वाली ऊपर वाली वैल्यू आपने निकाल ली। अब अगर ये 102 17 से डिवाइड हो रहा है, मतलब डेफिनेटली भाई ये एक ही तो दिख रहा था आपको 17 ऊपर वाले में, यही आपका आंसर बनेगा। पर यहां पर मैं आपको पूरा निकाल कर बताऊंगा, क्योंकि मुझे समझाना भी आपको, ठीक है ना। तो ये तो आ गया ऊपर वाला, नीचे वाली वैल्यू मतलब कि इसका मैंगो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैंगो। कुछ लोग बोल रहे सर मैंगो तो दिया ही नहीं, अरे तो मैंगो ही तो निकालना है, वही तो निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर देखो क्या क्या था, एप्पल और गुड फ्रूट्स था। तो पहले तो आप इसमें एप्पल को माइनस कर दो, पहले तो आप इसमें एप्पल को माइनस कर दो। तो जब आपने इसमें एप्पल को माइनस किया तो आपको क्या पता चल गया, गुड वाले फ्रूट्स कितने हो गए, 840, ये गुड फ्रूट्स है। तो दोस्तों अगर टी में 36.36%, 36.36 मतलब होता है 4/11, फ्रैक्शनल वैल्यूज का टेबल मैं दूंगा, रट लेना भाई, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको नहीं आता है तो रट लेना उसको, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 4/11। अगर आपको 4/11 फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, मतलब कि 11 में से 4 अगर रॉटन है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को समझिएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू को देखते कैसे हैं, 4/11 का मतलब क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू टोटल है, मतलब 11 में से 4 सड़ गए, 11 में से 4 जो है वो खराब हो गए हैं, तो बचे कितने, 11 में से अगर 4 खराब हो गए तो बचे कितने, 7 बचे, यानी 7/11 आप बोल सकते हो कि ये गुड है, 7/11 आप बोल सकते हो कि ये गुड है, मतलब ये जो है हम बोल सकते हैं कि ये 7 यूनिट है। हमको क्या निकालना है, टोटल 11 यूनिट। अच्छा, अब ये यूनिट यूनिट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो लोग बिगिनर्स हैं दोस्तों, एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 4/11 खराब फल है, इसका मतलब क्या है कि आप 11 फल खरीद कर लेकर आए तो उसमें से 4 खराब निकले,
मतलब कि सात जो थे वो आपके अच्छे फल निकले 11 में से, होगा कि नहीं होगा? समझिएगा इस चीज को, शुरुआत में बहुत टाइम लगता है पर परसेंटेज की बेसिक चीजें हैं, अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा आगे जाओगे। 4/11 का मतलब 11 फल आप खरीद कर लेकर आए, उसमें से 4 खराब थे, मतलब 7 फल आपके सही थे। तो यहां पर ये जो 840 दिख रहे हैं तो सही वाले दिख रहे हैं ना, गुड वाले दिख रहे हैं। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई ये गुड वाले हमको दिख रहे हैं, गुड वाले कितने थे? 7। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, मतलब इससे 7 से डिवाइड कर दो आप, ठीक। जो निकालना है हमको टोटल चाहिए था, भाई टोटल निकलेगा उसमें हम अगर एप्पल को माइनस कर देंगे तो मैंगो आ जाएगा ना, तो हमको टोटल चाहिए। तो टोटल कितना है भाई? आप 11 खरीद कर लाए थे, मतलब ये टोटल था, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 2 0 120 इंटू 11 करोगे तो आपका जितना भी आ जाएगा लिख देते हैं 1220 1200 और 1320। ये आएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी, 120 इंटू 11 करोगे तो 1320 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अगर बोला गया है कि इसमें से एप्पल 720 है, 720 को माइनस कर दो, तो 720 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 720 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 600। तो निकल गया मैंगो। अब समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए आ गया। हाँ तो दोस्तों ये हमने क्या किया है, हमने गुड के हिसाब से लिया है ना यार। इसको टेबल में आप गुड के हिसाब से लोगे तो अलग आंसर आएगा और रॉटन के हिसाब से लोगे तो अलग आंसर आएगा। आप अगर रॉटन लेकर करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो चलो रॉटन के हिसाब से भी बता देता हूँ। इसके हिसाब से अगर हम इसको गुड के हिसाब से बना रहे ना तो हमारा आंसर ये बन रहा है। 0 से 0 कट गया, ये 30 हो गया, ये 51 हो गया, 51/30 बनेगा इसमें। और किसी से कटता है क्या ये? हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 1 7 3 21 और ये 10 17 10। सही है, बिल्कुल सही है, 17 10 बिल्कुल सही है। एक बार आंसर देख लेता हूँ मैं, 17 10 बिल्कुल सही है दोस्तों, टेबल जो है ये बिल्कुल सही है। रॉटन के हिसाब से करोगे तो क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ उसको, ध्यान से सुनना। देखो जब हमने क्या किया, इस 720 को इसमें माइनस किया तो बचा कितना, 840। अब अगर आप इस गुड की जगह रॉटन लिख लेते हो ना, तो रॉटन आपको ये कितना दिख रहा है, 4/11 दिख रहा है, मतलब आप 11 खरीद कर लाए तो उसमें से 4 क्या थे, खराब थे, और ये आपको रॉटन वाले दिख रहे हैं। तो बस वही करना है, जो दिख रहा है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस चेंज कर दो 7 के बदले 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 210 इंटू यहां पर क्या था, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम यही चीज करनी थी बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है, रहेगा वही जो भी था वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। दोस्तों ये SBI PO प्री लेवल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, RRB क्लर्क मेंस लेवल। देखो अभी भी जिसको नहीं समझ में आया ना, टेंशन मत लो, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बार में थोड़ा डाउट होता है, दूसरी बार में पूरा डाउट क्लियर हो जाता है, और दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में हो जाता है। हाउ मेनी रॉटन फ्रूट्स आर देयर इन बास्केट QSP टुगेदर, हम अभी टेबल के हिसाब से बना रहे, जो टेबल दिया उसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी रॉटन फ्रूट्स आर देयर इन बास्केट QS&P टुगेदर, रॉटन फ्रूट्स निकालने थे आपको QS और P के, तो QS और P ये तीनों के निकालने, चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो 1344 में 512 को घटा दो, 1344 में 512 को घटा दो, आपका 832 जो आ गया वो क्या आ गया, गुड फ्रूट्स, ठीक है, ये आ गया P वाले का। ऐसे ही दूसरे का भी निकाल लेते हैं भाई, और किसका, Q का बोला था, चलो Q का भी निकाल लेते हैं। 1612 में 744 घटा दो, 1612 में 744 घट दो, तो दोस्तों मॉक में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ज्यादातर मॉक टेस्ट में। 12 में 4 गया 8, यहां पर 10 में 4 गया 6, हाँ 1600 ठीक है, 15 में 7 गया 8, 868 आ गया। वैसे ही आप इस वाले का भी कर लो भाई, तो इस वाले का तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसको मैं ऐसी ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ था पहले, इसलिए ऐसी लिख देते हैं 1010। तो ये सारे के सारे क्या आ गए भाई, ये गुड वाले आ गए, गुड, ये तीनों के तीनों गुड है। तो अगर ये तीनों गुड है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि अगर रॉटन 35 था तो गुड वाले 65 होंगे, अगर यहां पर रॉटन 30 था तो गुड वाले 70 होंगे,
अगर यहां पर रॉटन 25 था तो गुड वाले 75 होंगे। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 832 आपको दिया जो कि गुड है, तो भाई गुड वाले का 65% दिख रहा है ना, 65 से डिवाइड करो। निकालना क्या है आपको, रॉटन निकालना था, 35 से मल्टीप्लाई करो। इस वाले को देखो 868, जो दिया है ये हमको क्या दिया है, गुड वाला दिया है, तो गुड वाले का परसेंटेज कितना है 70, उससे डिवाइड करेंगे। जो निकालना है हमको रॉटन वाला निकालना है तो वो कितना था 30%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले को देखो दोस्तों दिया कितना है हमको 1010 जो कि क्या है गुड, तो गुड वाला कितना दिख रहा है आपको 75%, डिवाइड कर दो। निकालना क्या है हमको गुड बैड वाला मतलब कि रॉटन वाला, तो वो है 25%, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में? तो डेटा बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसका। आगे का क्वेश्चन जो बच गया है उसको कल कवर करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है, बनाकर जरूर लाइएगा। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों आखिरी डीआई को बिल्कुल मिस नहीं करना, हर दिन आखिरी डीआई जबरदस्त लेवल का रहेगा, ठीक है ना? तो आखिरी डीआई कभी भी किसी भी क्लास का आखिरी डीआई मिस नहीं करना भाई। जिसको भी एसबीआई पीओ वगैरह क्वालिफाई करना है तो आखिरी डीआई बहुत दमदार रहेगा, मतलब कोशिश मेरी रहेगी भाई। दोस्तों हर बार मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छा ही होगा, कभी कभार देखने से अच्छा लग रहा होता है डीआई लेकिन हलवा निकल जाता है, तो मैं कोशिश तो यही रखूंगा। मैंने चौको किंग को बोला भी है कि अच्छे अच्छे डीआई चाहिए मुझे, तो मेहनत कर रहा है। चौको किंग कौन है, तो मेरा स्टूडेंट ही है मेरा, काफ़ी पुराना स्टूडेंट, सारे डीआई वही बना रहा है, टारगेट के भी डीआई वही बनाता है। तो बहुत ही अच्छा लेवल का डीआई था दोस्तों ये आज का, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या आएगा यार, ये वाले का आंसर एक बार निकाल कर जल्दी से मुझे बता दो। मैं सॉल्व नहीं करूँगा दोस्तों, सॉल्व आपको करना है, पूरा सॉल्व मैं नहीं करूँगा, सॉल्व आपको। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को अगर ना ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो, रेशियो में चेंज कर लिया करो। जैसे 35/65 है ना, मतलब इसको आप 5 से काट के डायरेक्ट आप इसको 7 और 13 ले सकते थे, ठीक है? 7 और 13 आप डायरेक्ट लेकर कर सकते थे। जैसे इस वाले में देखोगे तो 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है ना? तो ये देखो 7 से जब इसको काटोगे ना तो बहुत ईजिली कटेगा। 12 × 7 = 84 बचा 28, ये 124 × 3 करोगे तो 3 और 72 यानी 372। तो ये ईजी हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखो तो 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9 और 7 × 3 = 21, तो 337, तो ये 337 आ गया आपका, ठीक है? इस वाले को करोगे तो 13 से डिवाइड करोगे, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×4 = 52, 64 × 7 कर लो, 6×7 = 42, 7×4 = 28, 448। तो ऐसे फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है, आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं ये सब चीज़ें भी सिखाऊंगा दोस्तों, मैं अलग से एक कोर्स और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, क्या बोलते हैं इसको, फास्ट मैथ वाला एक कोर्स लेकर आऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, मैं किस तरीके से करता हूं। तो ऐसा कुछ एक छोटा सा कोर्स रहेगा जो कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों के लिए रहेगा, अलग से और मतलब वो नहीं रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ऐसी 4-5 क्लासेस रैंडम, ऐसे ही मतलब बोनस क्लासेस, ठीक है? तो जिसमें कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है? कुछ अगर मेरे से यहां पर गलती हो गई हो तो सुधार लेना, ठीक है? मैंने हड़बड़ी में किया है। खत्म करते हैं दोस्तों क्लास को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा जिन दोस्तों ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिख रहा था ना, जो आपको स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिख रहा था, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स करके दिखेंगे, ठीक है? वहां मैं फ्री पीडीएफ्स डालूंगा सभी के लिए, जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो जिन्होंने कोर्स लिया है उनको, हाँ स्पीड मैथ की क्लासेस, तो जो भी जिन्होंने भी कोर्स लिया है उनको आपके कोर्स के अंदर ही बता दे रहा हूँ दोस्तों कैसे, ध्यान से सुनना। जब आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं ना, तो वहां अगर क्वांट का है तो आपको क्या दिखता है, ऐसे क्वांट दिख जाता है। जैसे ये डीआई वाला है, इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है आपको, तो ऐसे क्वांट दिख जाएगा। तो जब आप क्वांट पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिख रहा होगा, इसमें आपकी क्लासेस दिख जाएंगी, फिर एक दिख रहा होगा आपको शेड्यूल, ठीक है? तो ऐसे ही एक फोल्डर बना दूंगा मैं जिसमें आपको दिख जाएगा पीडीएफ, ऐसे पीडीएफ नाम का मैं फोल्डर बना दूंगा वहां पर प्रैक्टिस पीडीएफ करके। तो उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए जो भी मैं आपको दूंगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो, मैं कल फिर से समझाऊंगा ना, क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको कल करेंगे हम फिर से,
इसको कल हम फिर से करेंगे तो मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग अभी भग भी गए हैं, कुछ लोगों को हड़बड़ी रहती है, कुछ लोगों को जल्दी, कुछ लोगों को भौंक लग रही होती है एकदम, सर भौंक लगी है जाने दो खाना बन गया है, तो होता है ऐसा। 3 72 3 40 4 48 3 72 3 40 4 48 मैंने कौन सा गलत किया था यार इसमें से, 3 72 3 40 इधर वाला मैंने गलत कर दिया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 है। दोस्तों क्या गलती हुई थी ना मेरे से, ये देखो ये 20 है ऐसा, ठीक है, मेरी बस ये गलती थी कि 1010 लिख दिया था मैंने गलती से, ये 1020 है। तो इस हिसाब से जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 40, तो 340 है ये ऐसा 40, तो 8 2 10 यानी कि 0 एक कैरी, ठीक है, 7 4 11 12 4 15 और 16 4 4 8 7 15 और 16, ठीक है, और एक कैरी 4 3 7 3 10 और 11 11 60, ये आपका आंसर, ठीक है, जिसने भी 11 60 निकाला बिल्कुल सही है। तो मेरी गलती थी 1020 को मैंने 1010 लिख दिया था गलती से, इसलिए मेरा आंसर गलत हो रहा था, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिए एक भी क्लासेस, बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना है, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग इस कोर्स में, और प्रैक्टिस तो होगी, और DI तो मेरी जवाबदारी है भी, मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल की DI लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जैसा 100 DI वाला कोर्स था जिसने भी देखा था, बिल्कुल वैसे ही लेवल के DI आपको मिलेंगे। सनी कुमार जी का यहाँ पर वो आ रहा है, क्या बोलेंगे, फरमाइश आ रही है सर एक बार क्यों डरे वाली लाइन बोल दीजिए। चलिए ठीक है, जाने से पहले क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते जाइए दोस्तों, हार नहीं मानना है, और डरिए मत कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, डरिए मत, सही तरीके से तैयारी करने से 2 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपका 2 साल के अंदर नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब ये मान के चलिए कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, उन गलतियों को पकड़ना है, सुधारना है, और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर क्लास अचानक से ख़त्म हो जाती है आपके बात करते करते में, दोस्तों वो क्या है ना 15 सेकंड लेट चलता है, जैसे YouTube में 15 सेकंड लेट चलता है वैसे यहाँ भी 15 सेकंड लेट चलता है, एकदम लाइव नहीं है ये, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको 10 से 12 15 सेकंड बाद आपको सुनाई दे रहा है, आप जो कमेंट कर रहे हैं वो मुझे 15 सेकंड बाद दिख रहा है, तो मैं क्या है ना ख़त्म कर रहा हूँ बोल के एंड कर देता हूँ, तब तक वो आपके पास आया नहीं रहता इसलिए बंद हो जाता है, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है, उस आखिरी 10 15 सेकंड का टेंशन मत लिया करो।